आपके हाथ से मुतासिर होने वाले इरफानों और मंदिरी महाराज से जमीयत उलमा हो और महाराज ने मालेगांव जमीयत उलमा हो, पूरे मुल्क में अपने जिंदगी खिदमत की वजह से जानी और पहचानी जाती है। मालेगांव शहर मुतैयरीन शहर का मुतैयरीन का शहर है और यहाँ के लोग जमीयत उलमा पर 100% एतमाद करते हैं और उनके एतमाद को देश न लगे। जमीयत उलमा हमेशा इस बात के लिए पोषा रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अहले खैर के तआवुन के साथ मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क भर में जहाँ कहीं आसमानी सुल्तानी इस तरह की आफतें आती हैं और लोग मुतासिर होते हैं, उनमें खास तौर पर मुसलमान जब मुतासिर होते हैं तो जमीयत उलमा इस बात के लिए हमातन तैयार रहती है कि उनकी दामे निरमे कदमे सपने जिस तरह का तआवुन हो सके किया जाए। अभी मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब ने बताया कि आसाम जैसे दूर दराज सरहदी इलाके में अगर सैलाब आया और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों के मकान बह गए तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र में जिसमें मालेगांव का भी एक बहुत बड़ा तआवुन रहा, वहाँ पर सैकड़ों मकान बना करके दिए गए। और जमीयत उलमा के वो हमारे साथी जिन्होंने आसाम में जाकर के खिदमत अंजाम दी थी आज इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीयत के लोग अपना वक्त अपनी सलाहियत अपना जान और अपने अपना मान लगा करके काम करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर जब जब आग लगने का सानहा पेश आया और गरीब लोग मुतासिर हुए तो उनके लिए मकाना बना करके देने का काम जमीयत उलमा ने किया है। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक शेख पंद्रहवाला ने बताया कि ये सातवीं जगह है जहाँ पर जमीयत उलमा ने मालेगांव में मकान बना करके दिया है। आज इस मौके पर नई बस्ती में जिन सात आठ मकान आग लगने से मुतासिर हुए थे, हमने दौरा किया और दौरा करने के बाद 5-10 हजार की इमदाद दे करके हमने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि हमने ये तय किया अपने साथियों के मशवरे से कि जब हम माजी में लोगों को मकानात बना करके दिए हैं तो आज इस वक्त जिनके मकानात जले हैं उनके लिए हम लोग मकानात बना करके देंगे। और हमने ऐलान किया था अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा करते हुए, अल्लाह ताला ने हमारी दाद रखी और हमने मशवरे से जिस बात का फैसला किया था आज दिल के गहराइयों से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं के काम की तकमील हो चुकी है और आज इस मजलिस के अंदर हम अहले खाना को उनके मकानात उनके ताबे में देंगे। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए कबूल किया और इस खास हादसे को उमरान बना करके मालेगांव में हमने कहीं चंदा नहीं किया और किसी ने आकर के इस मामले के अंदर हमारी कोई मदद नहीं की। जमीयत उलमा का जो अपना रिलीफ फंड होता है हमने उसी रिलीफ फंड को इस्तेमाल करते हुए इस मकान की तामीर की है। आज इस मौके पर मकान बन गया, हमें खुशी है। अभी जैसे जो है मुतासिरीन में से अली हसन साहब ने यह बात कही कि मेरा छोटा सा मकान था जिसकी छत बहुत नीचे थी, 25 साल से मैं सामाजिक खिदमत कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, सियासत में भी मेरा कुछ न कुछ हिस्सा रहा, लेकिन 25 साल में मैं अपना मकान नहीं बना सका था। आज जमीयत उलमा के जरिए से अल्लाह का करम हुआ, मकान बन गया और जहाँ छत बहुत मिली थी आज ऊंची छत हो गई, ऊपर भी मकान बन चुका है। आप कहते हैं साहिबुल बैत के अदरा बीमा भी घर वाला जानता है कि घर में क्या है, पहले जिस हालत में रहते थे आज मकान को देख करके उनकी जुबान से जो अल्फाज निकले हमें इस बात का एहसास हुआ कि उनके उनको दिली खुशी हुई है और जमीयत उलमा के इस काम से वो खुश है और मुतमईन है। अल्लाह का एहसान है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि अल्लाह काम ले लेता है। मैं खास तौर पर जमीयत उलमा के तमाम अपने साथी
जिन्होंने इस काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना हर मुमकिन तआवुन दिया, वक्त दिया, सलाहियत सर्फ की, बाहरी तौर पर मशवरा किया, खास तौर पर यहाँ निगरानी के लिए अब्दुल रहमान यहाँ पर जो है मौजूद रहे, अब्दुल रहमान प्यारे, और उन्होंने अपना काफी टाइम दिया और मकान की तामीर करवाई। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और उसी के साथ अपने साथियों का जिन्होंने अपना वक्त दिया, सलामियत दी और मशवरे देकर से इस काम को नया तकलीम तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और इसी के साथ हमारे शहर को अमन अता फरमाए, काफियत अता फरमाए और लोगों की जान माँ इज्जत और आबरू महफूज रहे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए अपने बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड की जानिब से नई बस्ती अब्दुल सत्तार आजमी नगर में जो सानिया पेश आया था उसको जो मुकम्मल तरीके से बना के देने की जो बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड ने पूरा मुकम्मल घर बना करके दिया है। मैं जमीयत उलमा हल्का नंबर एक का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल रहमानी साहब, नायब सेक्रेटरी एजाज हनफी साहब और नायब सेक्रेटरी फैजान रिजू साहब, रईस रहमानी साहब और साहब अहमद, हम जमीयत उलमा हल्का नंबर एक की जानिब से सदर जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरा साहब, मोहम्मद मक्की साहब, मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब, इमरान अज्जद नदवी साहब और अनीस फहमी साहब, मौलाना तहिर मिल्ली साहब और भी दीगर जिम्मेदार, अब्दुल रहमान प्यारे साहब खास तौर से, तमाम ही जिम्मेदारान का जमीयत उलमा हल्का नंबर एक के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मशवरे को, हमारी बात को माना और मानने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नई बस्ती अब्दुल सत्तार आजमी नगर में मकान बना करके दिया है। इसलिए जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड हल्का नंबर एक की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी जब कभी भी हमारी तरफ से ये जमीयत उलमा शहरी जमीयत उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और जमीयत उलमा मदनी रोड के तमाम अराकीन को, मुंतजमा और अमला को जब भी आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह वो हमारे इस बात को, हमारे इस मशवरे को मानेंगे और हमारा ताउन करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा ताउन किया है। आज नई बस्ती के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हाथों से उनके घर की चाबी दे दी गई है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम हुआ और आज नई बस्ती के 8 मकान मुकम्मल तामीर और तौसी करके उनको दी गई है और मैं शहरियान ने जो मुकैर हजरात है जिन्होंने ताउन किया है, मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड का जमीयत उलमा हल्का नंबर एक की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।